रहते तो सारे वर्कआउट मतलब डे वाइज करता हूँ मैं, क्योंकि एक मसल्स को मैं एक दिन हिट करता हूँ, क्योंकि फर्स्ट डे मेरा जो मसल्स होता है ना वो मैं बैक लगाता हूँ, फिर सेकंड डे मैं चेस्ट करता हूँ, फिर थर्ड डे मैं शोल्डर्स, और फिर फोर्थ डे मैं करता हूँ लेग्स। मैं जो लेग्स है ना मैं मंथ में मतलब हफ्ते में दो दफ़ा करता हूँ, क्योंकि जो मुझे फेवरेट मसल्स है मेरा, क्योंकि इसलिए मैं इसको ज़्यादा हिट करता हूँ। बाकी डे वाइज बने हुए सारे मसल्स में वन बाय वन, अगला मसल जब तक हम इसको रिलैक्स नहीं देंगे ना तो वो डेवलप नहीं होगा। अब हमने एक मसल लगाया, अब उसको हम थोड़ा रेस्ट देंगे तो दूसरा मसल डेवलप होगा ना। अभी हमने पता चला हमने आज हमने चेस किया है, हम फिर थोड़ी देर बाद उसको मतलब हमने रेस्ट नहीं लिया, फिर हम दूसरा मसल लगाने चले गए तो वो मसल हमारा सेट हुआ नहीं, दूसरा मसल लगाएंगे तो वो मसल हमारा वर्कआउट पे फिर फोकस नहीं होगा उसका हमारा सही, क्योंकि अभी जो मौसम है कराची का वेदर है उस हिसाब से हमें चलना है, हमने अपने वेदर के हिसाब से चलना है और अपनी डाइट के हिसाब से। हमने ये नहीं करना है कि हमने बस सारी वर्कआउट एक ही दिन करके बॉडी नहीं बनानी है, हमने डे वाइज हम यंगस्टर को भी यही रिकमेंड करते हैं कि उसको वन बाय वन करें। सबसे पहले तो ना अपनी नींद पूरी नहीं करते, सबसे पहले नींद पे गलत है, नींद पूरी करेंगे तो वर्कआउट अच्छा होगा आपकी बॉडी में मतलब ग्रो होगी। हम सोते नहीं है ना, रात को लेट नाइट सो रहे हैं, फिर सुबह उठ भी रहनी है, फिर डाइट भी टाइम पे नहीं है, सुबह उठेंगे लेट 12 बजे उठेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर लंच कब करेंगे, डिनर कब करेंगे, तो वो डाइट का रूटीन नहीं बनेगी, फुल डाइट का अमल है सारा। भले से यंगस्टर हो चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो, जब तक वो डाइट मैनेज नहीं करेगा बॉडी के मसल डेवलप नहीं होंगे। पानी तो लाजमी है वर्कआउट में, कम से कम बॉडी वेट के हिसाब से वाटर पीना है हमने। हमारी ये जिम नहीं है, ये एकेडमी है, ये वाहिद कराची का जिम है जहाँ पे बच्चों के साथ अच्छे से पेश आना होता है, बच्चों को समझाना पड़ता है, उनको हम बेसिकली उनके माइंड से भी उनको फ्रेश करते हैं। खाली ट्रेनिंग ही नहीं है हमारे पास, हम लोग हर चीज़ उनको गाइड करते हैं, ना इसके कोई चार्जेस करते हैं हम लोग, ना कुछ इनसे फीस लेते हैं, ना कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं। इनको इसी में इनको समझाते हैं ताकि ये नई तरफ मतलब गलत जगह में नहीं जाएं, गलत सोबत में नहीं बैठें, अच्छी चीज़ सीखें, जान की तरफ ध्यान देंगे ताकि इनको फिर फोकस इनके इधर ही हो जाएगा, फिर इन्होंने डाइट करनी और जान बनानी है, फिर कहीं और इनका फोकस नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले ये सिखाते हैं। अब फर्स्ट क्लास का बच्चा पहली क्लास में उसने एडमिशन लिया, वो जिम स्कूल जाएगा तो वो पढ़ेगा कैसे, टीचर समझाएगा तभी पढ़ेगा ना। तो इसलिए हम लोग बच्चों को यहाँ समझाते हैं, उनकी बेसिक बनाते हैं, उनकी बेस बनाते हैं, फिर वो सीख जाते हैं, फिर वो सही। यहाँ के हमारे शागिर्द जो है ना काफ़ी जिमों में ट्रेनर भी लगे हुए हैं, हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी जिमों में ट्रेनर लग चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, उनको इस काबिल हो गए कि वो जिमों में ट्रेनिंग करवा रहे हैं। जी मैं खुद बच्चों को गाइड करता हूँ, नहीं तो को पता है जिस लेवल पे हम हैं तो उस लेवल के लोग यहाँ पे फीस बहुत चार्ज करते हैं, तो बच्चों को हम इसी में ताकि ये एक खिदमत खल्क है, जिम ज्वाइन करें, जिमों में एक्सरसाइज करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें बस। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज और सोशल मीडिया ट्रेंड्स, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM News की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।